में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खबर पर। माइनिंग विभाग ने अवैध उत्खनन की मिल रही शिकायतों पर आज कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की। 7 क्रेशरों को 100 के लिए नोटिस जारी कर दिया तथा 5 लोगों को निजी भूमि पर अवैध उत्खनन करते पकड़ा, जिनके पास से 200 मैट्रिक टन लाइम जब्त किया गया। वहीं सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षों से सैकड़ों एकड़ में रात दिन लगातार पोकलेन, JCB और बिना खौफ के अवैध ब्लास्टिंग रोज होता है, परंतु वर्तमान सैकड़ों एकड़ में 80-90 फीट गहराई होने के बाद भी खनन स्थान को खनिज अधिकारियों द्वारा सील नहीं किया जाता, बल्कि खानापूर्ति कर कार्रवाई की जाती है। वहीं की गई छापामारी कलेक्टर सम्मी अबीदी व माइनिंग अधिकारी नाग के निर्देश पर की गई। अचानक हुई जांच से अवैध उत्खनन करने वालों में हड़कंप सी मच गई। खनिज निरीक्षक बंजारे भारद्वाज व साहू के साथ राजस्व और पुलिस विभाग की टीम छापामारी की, जिनकी निजी जमीन में अवैध रूप से चूना पत्थर निकालते पाया गया। जहां जहां पर शिकायत मिली वहां पर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आज जो है हल्का पटौरी वहाँ का मेरे को फोन करके बताया था कि वहाँ के खनिज विभाग वाले चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो इस कारण से मैं हल्का पटवारी के साथ क्या कारण है क्योंकि मैं भी वहाँ पहुँचा, तो वहाँ के कुछ गणमान्य नागरिक जो है जन समस्या जन दर्शन में उन्होंने शिकायत का आवेदन प्रस्तुत किए हैं कि 4 आदमी के द्वारा वहाँ पर अवैध उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। सर बताएंगे अवैध उत्खनन करने वाले 4 जिनका जिनका नाम, उनका नाम बताएंगे। उसमें जो शिकायत जो किया है उनके द्वारा उसमें लिखा है बरातू सिदार, अमृत पटेल, विजय बसंत और सुभाष पटेल, ये बिना परमिशन के अवैध उत्खनन कर रहा है और जिस जमीन पर कर रहा है वो पटवारी रिकॉर्ड के मुताबिक भूमि स्वामी हक की जमीन है। तो सर इसमें क्या कार्रवाई करेंगी? अभी वहाँ के जांच के दौरान पंचनामा और स्थल वेरिफिकेशन करके खनिज विभाग के द्वारा ले गए हैं और वहाँ से भी स्पष्ट प्रतिवेदन करने के बाद भी कलेक्टर महोदय जैसे भी निर्देश देंगे अग्रिम कार्रवाई होगी। धन्यवाद।